नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। छत्तीसगढ़ के धमतरी में पुलिस परिवारों ने पुलिस महकमे के खिलाफ ही एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। एक रात पहले जिला पुलिस महकमा हर तरह से आंदोलन रोकने की तमाम कोशिशें करता रहा। लगातार आला अफसरों की बैठकें हुई। पुलिस परिवार के लोगों को थाने में बुलाकर संविधान और अनुशासन का सबक पढ़ाया गया, लेकिन बुधवार की सुबह तमाम पुलिस परिवार के सदस्य तय समय में धरना स्थल पर पहुंच गए। धरना प्रदर्शन को नाकाम करने के लिए पहले ही पुलिस ने वहां लगे पंडाल को उखड़वा दिया। फिर भी सभी पुलिस परिवार के लोग पेड़ के नीचे ही बैठकर नारेबाजी करने लगे। वहां कुछ मौजूद पुलिस अधिकारियों ने पुलिस परिवार के लोगों को समझाने बुझाने की नाकाम कोशिशें भी की, लेकिन अब की बार मीडिया भी मौके पर पहुंच चुकी थी, लिहाजा धरनारत महिलाओं पर किसी भी तरह की सख्ती नहीं बरती गई। लगभग डेढ़ घंटे नारेबाजी करने के बाद सभी महिलाएं रैली की शक्ल में जिला पुलिस कार्यालय पहुंची। पुलिस परिवार वालों ने अपनी मांगे और शिकायतें मीडिया के सामने रखी। हम लोग अपने पुलिस परिवार के मुद्दे को लेकर खड़े हुए हैं। उनको वेतन कम है और ड्यूटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ड्यूटी उनका 8 घंटे हो और वेतन में प्रमोशन हो। और पौष्टिक आहार में उन लोगों को 3 रुपए दिया जाता है। पौष्टिक आहार में सोचो, महीने का 3 रुपए और पेट्रोल भत्ता 60 रुपए दिया जाता है। आप ही लोग बताओ क्या ये जायज है? हम लोग और मकान भी पूरा जर्जर हो चुका है। उस जगह हम लोग रहते, सारी जनता की सेवा हमारी पुलिस विभाग के करते हैं और उनको किसी चीज का सेवा नहीं दिया जा रहा है। जी, अब आंदोलन तो करना ही था कि पेमेंट इतना कम है, ड्यूटी ज्यादा है। अब देखिए कि दिवाली पिछले त्योहार में, कई त्योहार हैं, लक्ष्मी पूजा में हमारे यहाँ कभी रहते भी नहीं है, भरी मतलब त्योहार है। होली में भी अकेले हमको पूजा करना होता है, अकेले हमको मार्केट जाना पड़ता है। उनको आराम भी नहीं है, खाने का है, खाने के बैठे हैं, कभी फोन आ गया खाना तुरंत छोड़ के जाते हैं। उनको एकदम आराम नहीं है, पेमेंट भी कम है, आराम भी नहीं है, ड्यूटी ज्यादा है। 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए और संडे को भी अवकाश छुट्टी मिलनी चाहिए। चुनावी साल में बात बात में सियासत करने वाली कांग्रेस ने खुद को पुलिस परिवार के आंदोलन से दूर ही रखा। सवाल पूछने पर स्थानीय विधायक ने प्रदेश नेतृत्व के निर्देश का हवाला दे दिया। ये निर्णय हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी का होता है। ऐसे निर्णय जो होते हैं, उस निर्णय पर जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्णय लेगी, उससे पूरी प्रदेश में इसका कार्रवाई की जाएगी। धमतरी में आप विधायक हैं और विपक्षी दल से हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, आप बतौर विधायक? मैं वही कह रहा हूँ कि ये निर्णय जो होते हैं, बड़े निर्णय होते हैं, उसको प्रदेश कांग्रेस कमेटी निर्देश करती है, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। जैसा कि जग जाहिर है, पुलिस मुख्यालय ने इस आंदोलन को एन केन प्रकारेण रोकने के सख्त निर्देश सभी एसपी को दे रखे थे, लेकिन फिर भी धमतरी में धरना और रैली भी हो गई। जिले के एसपी का दावा है कि कहीं कोई आंदोलन की स्थिति ही नहीं बनी, सिर्फ मांग पत्र उन्हें दिया गया। पुलिस के परिवार के कुछ कर्मचारियों के परिवार के लोग आए थे मेरे पास और ऐसा धरना प्रदर्शन की स्थिति तो नहीं थी कोई भी चीज़। उनके द्वारा ये एक मांग पत्र दिया गया है जिसमें मुख्य रूप से कुछ भत्तों की है बात, आवास की है और अवकाश के संबंध में है। तो वो लोग भी कन्विंस हुए इस बात से कि आज जो वेतन भत्ते मिल रहे हैं, आज से पहले 5 साल पहले 10 साल पहले जो थे उससे कई गुना अधिक हैं। तो सरकार समय समय पर इतना ज़्यादा स्वयं आगे से होकर ये सब चीज़ें वेतन भत्तों के बारे में निर्णय लेती रही है और समय समय पर जो वेलफेयर के वो हैं, वो जिला स्तर पर तथा पुलिस मुख्यालय स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हमेशा देखा जाता है। और जहाँ तक बात रही अवकाश के संबंध में कि 8 घंटे से अधिक की ड्यूटी है, ये है, तो इस पर भी विचार किया जा रहा है बड़ी गंभीरता से कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्मचारियों को ये इसमें समय अंतराल पर उन्हें थोड़ा सा आराम मिल सके। इसी के लिए आप लोग देख रहे होंगे कि जो वैकेंसीज हैं वो सारी वैकेंसीज भरी जा रही हैं। आज की स्थिति में सभी जिलों में भर्तियां चल रही हैं, जिससे कि जो वैकेंसी अगर पूरी हो जाएगी तो निश्चित रूप से एक रोटेशन पर अवकाश भी मिल सकेगा। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है और उनको आश्वस्त होकर वो लोग गए हैं और उनको उनके द्वारा भी ये स्वीकार किया गया कि हाँ आज की स्थिति में निश्चित रूप से जो हमारा वेतन है या भत्ते हैं वो अधिक है,
लेकिन और भी समय अनुसार आवश्यकता अनुसार और भी बढ़ना चाहिए, ये उनकी डिमांड है। नहीं, इनके द्वारा पंडाल नहीं लगाया गया था, किसी बाहरी व्यक्तियों के द्वारा वहाँ पंडाल लगाने का प्रयास किया जा रहा था। चूंकि एसडीएम ने किसी भी ऐसी कोई अनुमति नहीं दी गई है, इसलिए उसको पुलिस ने हटवा दिया। धरना हुआ, नारेबाजी हुई, रैली निकली, यही तो आंदोलन के स्क्रीन प्ले है, लेकिन शायद एसपी साहब इसे नहीं स्वीकार करते। कांग्रेस ने भी इसे पल्ला झाड़ लिया। बहरहाल जिन मांगों को पुलिस परिवार ने रखा है वो कहीं से भी गलत नहीं कहे जा सकते। अब गेंद सरकार के पाले में है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।